बैक टू द चैनल और आज देखना है कि आपको अगर हॉस्टल चाहिए डीओवी में तो रजिस्ट्रेशन उसके लिए कैसे कराना है। तो आप जब सबसे पहले आप मेन गेट से डीओवी के ऑडिटोरियम में मतलब मेन डीओवी में एंटर करते हो, वहीं से राइट साइड लेकर के थोड़ा सा एक टर्न छोड़ने के बाद यहाँ पे आओगे तो ये इसका बोर्ड दिख रहा होगा चीफ वार्डन ऑफिस का। सबसे पहले प्रोसेस यही है कि आपको चीफ वार्डन ऑफिस में जाके एक फॉर्म लेना पड़ता है, उस फॉर्म को फिलअप करके अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जा करके एचओडी की उसमें साइन चाहिए होती है। तो पहले चलते हैं वार्डन ऑफिस और वहाँ पर पता कर लेते हैं बाकी की डिटेल्स क्या है। तो इधर साइड पर चीफ वार्डन ऑफिस है और साइड में जहाँ पर आप बच्चे देख सकते हो वहाँ पर वो एडमिशन के प्रोसेस के ही लिए कर रहे हैं चीज़ें। तो सबसे पहले फॉर्म तो ले लेना है। ऐसा फॉर्म दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे जब आप हॉस्टल के लिए पीजी के लिए फॉर्म लेने आते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे पीजी के लिए तो हॉस्टल के रूम फुल हो गए हैं, अभी वेटिंग भी चालू हो गई है, बाकी यूजी में सीट्स खाली हैं और उसके प्रोसेस के लिए अभी पता कर लेते हैं और फ़ीस वगैरह आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे हॉस्टल में रूम चाहिए तो आपको चीफ वार्डन ऑफिस आकर के यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेना होगा, उसको फिलअप करने के बाद अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जा करके वहाँ पे एचओडी की साइन करानी होती है। साइन कराने के बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म वापस ले आ करके चीफ वार्डन ऑफिस में फिर वहाँ पर इनकी साइन चाहिए होती है। इसके बाद आपको जो 22,000 रुपये जो यहाँ की फ़ीस है, 2,000 रुपीज़ इंक्लूडेड कॉशन मनी जो है, तो वो आपको चालान के फॉर्म में पे करनी होती है, जो कि डिपार्टमेंट के अंदर ही SBI का ATM यहाँ पे एक ब्रांच खुला हुआ है SOC डिपार्टमेंट के बगल में, जो कि वहाँ पे आपको जा करके फ़ीस पे करनी है वन टाइम में। और फिर जो आपकी वो रिसीट एक देते हैं, रिसीट ले आकर के चीफ वार्डन ऑफिस में फिर यहाँ पर आप इनकी सील साइन करा लोगे और फिर वो रिसीट लेकर के आपको हॉस्टल जाना है और हॉस्टल में मेन आपका रूम अलॉटमेंट वहाँ का वार्डन कर देगा और फीस आप इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट करना होता है। अब चलते हैं हॉस्टल और रूम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ RNT हॉस्टल, रवीन्द्रनाथ टैगोर हॉस्टल ऑफ DAVV। यहाँ पे बच्चों को सेकेंड ईयर के बाद से रखा जाता है, मतलब रूम दिए जाते हैं और PG के स्टूडेंट्स को भी यहीं पे रूम्स अलॉट किए जाते हैं। यहाँ पे स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे रूम्स हैं, बेसिकली डबल शेयरिंग रूम्स मिलते हैं, दो दो वहाँ पर आपको मतलब पलंग मिलते हैं, दो टेबल्स मिलती हैं स्टडी टेबल्स, और काफ़ी अच्छा स्पेस भी रहता है रूम्स में। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी काफ़ी साफ़ सफाई रहती है और हर फ्लोर पे आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा। और ऐसा मैंने सुना है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे साफ़ सफ़ाई होती रहती है, मैं तो यहाँ पे नहीं रहता हूँ पर मेरे दोस्तों ने ये चीज़ बताई है यहाँ की। अब हम चलते हैं उस हॉस्टल में जहाँ पे UG के बच्चों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को रूम अलॉट किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के कोई भी सीनियर नहीं रहते, जिससे कि रैगिंग को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि सभी बच्चे फर्स्ट ईयर के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और गर्ल्स का भी सिमिलर ऐसे ही रूम्स होते हैं, पर ये तो बॉयज़ हॉस्टल है जो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, सिमिलर ही होता है गर्ल्स हॉस्टल भी। तो यूजी के बच्चों के लिए जो ये जो रूम अलॉट हो रहे हैं, तो हम हॉस्टल में उनके आ गए हैं और एक रूम आपको दिखा देते हैं अंदर कि कितना उनका लेंथ है और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो डबल शेयरिंग में रूम रहते हैं, ये दो आपको पलंग टाइप के लोहे के मिल जाते हैं और दो टेबल्स भी आपको मिल जाएंगे, एक टेबल शायद यहाँ पर मिसिंग है, एक टेबल तो नहीं है। और यहाँ पे ये कवर्ड भी है, कवर्ड में कपड़े रख सकते हैं आप लोग और ठीक है। खिड़कियाँ भी और डिसेंट से, इसका मतलब लेंथ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है।